वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सुजाता वाला, होम्योपैथी कंसल्टेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। आज बात कर रही हूँ कॉर्न। कॉर्न को हिंदी में गोखू कहते हैं। कॉर्न प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से हो जाता है। जो लोग अधिक ज़्यादा चलने की वजह से, जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, कॉर्न में एक हार्डनेस होता है, एक कॉर्न में एक पेन होता है, एक पेनलेस होता है। स्किन का डेड हो जाना ही कॉर्न का डेवलप है। कॉर्न एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। कॉर्न का कोई भी साइज फिक्स नहीं होता। बहुत लोग शूज़ अनकंफर्टेबल पहन लेते हैं। शूज़ का सोल बहुत हार्ड होना, एक साइज छोटा पहनना, इस कारण भी कॉर्न हो जाता है। डायबिटीज़ हो उसमें भी कॉर्न होने की संभावना ज़्यादा होती है। फीट में स्वेट आना, फार्मर में जो लोग पानी खींचते हैं उसमें भी हैंड पाल में आपको कॉर्न होने की संभावना ज़्यादा होती है। विदाउट सॉक्स शूज पहनना, जो लोग बहुत पतले होते हैं उसमें भी कॉर्न होने की संभावना ज़्यादा होती है। जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है, जो हेवी लोग होते उसमें भी कॉर्न होने की बहुत संभावना ज़्यादा होती है। बहुत लोग कॉर्न को सीजर से कट कर देते हैं। अगर फिट कॉर्न की सर्जरी भी करवाते हैं तो फिर से कॉर्न डेवलप हो जाता है। इसके लिए सबसे बेस्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन। आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीमक्रूड एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। एंटीमक्रूड 200 पावर का लेना है। इसे 2 बूंद सुबह शाम खाना है। दूसरी मेडिसिन है हाइपरिकम 200, इसे भी 2 बूंद सुबह शाम। तीसरी मेडिसिन है क्लिकेरिया 4-6x 6 टैबलेट सुबह शाम सुषुम पानी के साथ। थैंक यू सो मच।